हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। ये मेरा नया चैनल है, आपने मुझे अगर देखा होगा। इतना चैनल वो ग्रो तो नहीं हुआ है, बट मेरा चैनल है कुकिंग का चैनल, जो है सुधा की रसोई के नाम से, और उसमें 1,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। वो चैनल चल रहा है और आप लोग का थोड़ा बहुत प्यार मिल रहा है। मैं चाहती हूँ और ढेर सारा प्यार मिले मुझे सुधा की रसोई के चैनल पर। और ये एक नया चैनल मैंने शुरू किया है, जो है लिव लाइफ विद सुधा, यानी कि मेरे साथ आप थोड़ा सा पल मेरे साथ आप बिताएं और मैं आप लोग के साथ थोड़ा सा अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस, अपने जिन अपनी जो डेली रूटीन के होते हैं वो छोटा सा ब्लॉग बना के आप लोग के साथ शेयर करूं, अपनी फैमिली के बारे में बताऊं या अपने बारे में बताऊं। तो इस हिसाब से मैंने ये चैनल शुरू किया है। इस पर आपको मैंने और भी कुछ ऐड किया है, जो है कि थोड़े बहुत जो इंस्टेंट कुकिंग होती है, इंस्टेंट रेसिपी होती है बिना गैस चूल्हे की, वो भी मैंने 2-3 वीडियो इस पर डाल चुकी हूँ। मैं जो बैचलर्स या फिर जो नए लोग हैं जो कुकिंग नहीं जानते हैं, या जो स्टूडेंट है हॉस्टल में रहते हैं, तो उनके लिए भी रेसिपीज इसमें मैं डालती रहूँगी। बट मेरा जो कुकिंग का मेन चैनल है उस पर मैं डिटेल में सारी चीज़ें डालती हूँ, या जो चूल्हे पर गैस चूल्हे पर बनाई जाती है, या फिर ट्रेडिशनल कोई रेसिपी होती है, या लंबी कोई रेसिपी होती है, मैं उस चैनल पर डालती हूँ। इस चैनल पर मेरा एक और खास रेसिपी रहेगा जो चूल्हे पर बनाऊंगी मैं, जो मिट्टी का चूल्हा होता है उसका भी मैंने, मुझे शौक भी है और मैंने मिट्टी का चूल्हे का यूज़ भी किया है और काफ़ी लोग पसंद करते हैं, मैंने देखा है मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना। तो वो वीडियो भी बना के, उसकी रेसिपी बना के, चूल्हे पे किस तरह से बनाई जाती है, मिट्टी के बर्तन में बनाऊंगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग इसमें रहेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे रहेगा। तो बने रहे मेरे साथ इस चैनल पर, इस वीडियो में भी, और अंत तक आप देखें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। और आइकॉन का जो बटन होता है, बेल आइकॉन बटन होता है जो, उसको भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन, आपको जब भी मैं वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो अभी जो है लंच का टाइम है और मैंने दाल बनाई है आज, अरहर, सॉरी, चने की दाल, जिसमें मैंने लौकी डाली है और वो पक चुकी है, उसका तड़का लगाने जा रही हूँ। फिर चावल डालूंगी और रोटी बनाऊंगी। तो काफ़ी काम में बिजी थी तो इतना ही कर पाई हूँ, दाल चावल जो लौकी डाल के मैंने बनाई है, और मैं थोड़ा रोटी लेती हूँ तो मैं रोटी बनाऊंगी और दाल चावल और पिकल रहेगा, सैलड रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं तड़का मारने जा रही हूँ चने की दाल जो लौकी के साथ है, तो वो थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं, चने की दाल और लौकी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तड़के की तैयारी कर ली है मैंने। यहाँ पे प्याज काट लिया है। इसकी डिटेल रेसिपी चाहिए तो आप ज़रूर मुझे सजेस्ट करें, कमेंट करें, बताएं, तो मैं अपने जो मेरा कुकिंग चैनल है उस पे मैं शेयर करूंगी इसकी पूरी डिटेल रेसिपी, कि चने की दाल में लौकी के साथ किस तरह से दाल बनाएं और किस प्रोसेस के साथ बनाएं, कितनी क्वांटिटी के साथ बनाएं और तड़का किस तरह से मारें। यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको दिखा देती हूँ अपने ब्लॉग में। यहाँ पर कढ़ाई रख दी है मैं तड़के के लिए, और 2 से 3 बड़े चम्मच आप तेल डाल लें। दूसरी तरफ मैंने चावल भी चढ़ा दिया है, तो चावल में जब हल्का सा बॉयल आने लगेगा तो मैं ढक्कन लगाऊंगी और मैं कम से कम 3 विसल इसमें आने दूंगी, तो चावल पक के अच्छे से तैयार हो जाएगा। मतलब अगर आप बिरयानी वगैरह बनाते हैं तो 2 विसल तक बनाएं, या आप दाल के साथ चावल खाना चाहते हैं तो 3 से 4 विसल आने दें, तो चावल अच्छे से अंदर तक गल जाते हैं और दाल के साथ तभी खाने में ठीक लगता है। यहाँ पे तेल गर्म हो गया है, तो सबसे पहले इसमें ये साबुत धनिया, जीरा, गैस का फ्लेम सिम पे कर दें, और एक तेज पत्ता डाल रही हूँ, खड़ी लाल साबुत मिर्च, इसको तोड़े नहीं क्योंकि इसका बीज अगर बाहर आएगा तो काफ़ी तीखा हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने दें। और फिर इसमें प्याज डाल देंगे कटे हुए, प्याज को हल्का सुनहरा भून लें, अभी गैस का फ्लेम मीडियम हाई पे कर लें और इसको सुनहरा होने तक भूनें। इसी के साथ 2 से 3 हरी मिर्च कटी हुई डाल दी है मैंने, इसमें हींग जरूर डालें, अभी मेरे पास हींग नहीं है तो हींग नहीं डाल रही हूँ मैं, बट इसमें हींग 3 से 4 पिंच
हींग जरूर डालें, अच्छा फ्लेवर आता है चने की दाल में। और यहाँ पे कौरसली मैंने ग्राइंड कर लिया है, लहसुन और अदरक, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे कौरसली ग्राइंड कर लिया है, जो किनारे किनारे सेट हो गया है, तो इसको निकाल के इसी में डाल देंगे। प्याज डालने के बाद ही ये डालें, नहीं तो ये कढ़ाई में चिपकने लगते हैं और जल्दी जल जाते हैं। तो हल्का सा जब प्याज हो जाए तो इसको डालें, तो जब पूरा प्याज ये भुनने तक ये साथ में ये भी फ्राई हो जाता है। प्याज हो जाने के बाद एक मीडियम साइज का टमाटर, टमाटर थोड़ा सा गल जाए तो इसके लिए हल्का सा ढक दें और 1 मिनट और ढके रहने दें ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए इसमें। और आप चावल बना रहे हैं तो इसमें चावल में थोड़ा सा अगर देसी घी डाल दें तो चावल आपस में चिपकते नहीं हैं और बड़े खिले खिले से बने रहते हैं। और अगर आप चावल में नमक डालना प्रेफर करते हैं या डालते हैं तो डालें, और नहीं भी डालते हैं तो भी 1 से 2 चुटकी थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे तो थोड़ा चावल का टेस्ट भी अच्छा जाता है और बिल्कुल खिले खिले बनते हैं। तो इसमें 2 से 3 चुटकी मैं नमक डालूँगी। नमक ऐड कर दिया है, इसको चला दें, इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है, तो बस का मैं अभी ढक्कन लगा दूँगी और इसमें 3 विसल आने तक मैं इस चावल को पका लूँगी। तो यहाँ पर तड़का तैयार है और थोड़ा सा दबा के मैंने टमाटर को मैश कर लिया था तो पूरी तरह से पक चुका है ये। और यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा कलर लाने के लिए इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर, जो ज़्यादा तीखा नहीं होता है बट कलर अच्छा देता है, तो थोड़ा सा उसको डाल देंगे। इसी में ऐड कर लेंगे हम दाल को। बस दाल को अच्छे से मिक्स कर लें। तो कलर भी बहुत अच्छा आया है और चने की दाल लौकी के साथ बहुत ही टेस्टी बनती है, तो इसको ज़रूर आप ट्राई करें एक बार। बस दाल को जैसे ही तड़का मारे गैस बंद कर दें। तड़का लगाने के बाद दाल को कभी भी ना उबालें, नहीं तो उसमें एक झाग सा आ जाता है और दाल की जो शक्ल होती है, जो लुक होता है, वो ख़राब हो जाता है। तो दाल पहले से अच्छे से पकी हो, जितनी कंसिस्टेंसी है पहले से उसको कर लें ठीक पानी डाल के, और फिर उसके बाद तड़का मारें और तड़के में दाल डाल के हल्का सा उसे और गर्म होने दे दें तड़के के साथ, बस गैस बंद कर दें। तो हमारा ये दाल तैयार है, चावल भी 3 विसल आ चुकी है, 1 विसल और आएगी, मैं 4 विसल लगा रही हूँ, गैस बंद कर देंगे, अच्छे से चावल पक जाएंगे। इसके बाद रोटी बनाऊँगी मैं और हमारा लंच तैयार हो जाएगा सैलड के साथ। और एक मिर्ची का अचार है, जो लाल मिर्ची का भरवा अचार होता है, वो मेरी मम्मी ने बनाया था ठंडियों में, अभी तक चल रहा है वो। तो बस थोड़ी सी रोटी बना लेते हैं, आटा गूंथ के रखा हुआ था। वैसे प्रेफर करती हूँ मैं कि ये जो टॉप काउंटर होता है किचन का, मैं उसी पे रोटी बनाना साफ़ करती हूँ और पूरी तरह से ये हाइजीनिक होता है, अच्छे से मैं इसकी सफाई कर लेती हूँ, खुद अपने हाथों से ही करती हूँ। चकले तो मेरे पास 2 पड़े हैं बट उसको कौन निकाले और कौन यूज़ करे, मैं इसी पर ज़्यादा कम्फर्टेबल समझती हूँ। आटा थोड़ा 1 घंटे पहले का, गर्मी काफ़ी है यहाँ पे, और 1 घंटे पहले आटा गूंद के रख लिया था मैंने, तो थोड़ा सा ढीला हो गया है। दो दो रोटी दिखाई दे रही है। हाँ अभी रोटी सेक रही है मेरी बेटी है,
तो थोड़ा सा रोटी सेकना उसको आता है, बेलना नहीं आता है, तो मैं बेल दे रही हूँ, वो सेक दे रही है। उस साइड पलट दो, हाँ अच्छे से खोलने दो, हाँ पूरा उठा लो, उठा लो पूरा अच्छे से, हाँ इसमें डाल दो। वैसे रोटी उसकी फूलती है थोड़ा सा, वो मुंह बना रही है कि फूली नहीं ये वाली, बट ये वाली मेरे ख्याल से ट्राई करेगी तो फूल जाएगी, तो एक इसकी फूली वाली रोटी भी ज़रूर देख लो आप। पूरी अच्छी तरह से हो जाएंगे बेटा, एक मिनट देखने दो मुझे। हाँ अभी उतार लो इस पे, हाँ अभी रखो, हाँ ये वाली देखिए अच्छे से गुब्बारे की तरह फूल गई है, परफेक्ट परफेक्ट, बस इसमें डाल दो, हो गया। तो बस मैं रोटी बना लेती हूँ, रोटी बनाने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ मैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल लंच, इंडियन लंच तैयार हो गया है। यहाँ पे एक गिलास सबके लिए है, 6 एक एक गिलास, यहाँ पे मैं एक गिलास दिखा रही हूँ, और सैलड लिया है। अभी मेरे पास टमाटर थोड़े से ख़त्म हैं और खीरा भी नहीं है, और गर्मी बहुत है, सुबह लेने जाने का मन नहीं करता है, फिर मैं रात को ही निकलती हूँ। प्याज है, हरी मिर्च, और ये भरवा मिर्च है लाल वाला, तो ये मम्मी ने बनाया था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए, वैसे भी ये ठंडी में आता है तो उस टाइम आपको इसकी रेसिपी मिलेगी। और दाल आपने देख ही लिया था, रोटी बन के तैयार है, और यहाँ पर चावल भी पूरी तरह से अच्छे से गले गले और खिले खिले चावल तैयार हो चुके हैं। तो बस ये लंच हमारा तैयार है और हम लंच करेंगे अभी। और ये बिल्कुल छोटू सा ब्लॉग था मेरा, शुरू वाला पहला ब्लॉग जिसे मैंने इस तरह का रूटीन अपना मैंने दिखाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी जो बनाई वो अच्छी लगी हो, इसकी डिटेल चाहिए पूरी, तो आप मुझे बताएं, कमेंट करें, मैं ज़रूर अपने कुकिंग चैनल पर डालूंगी स्टेप बाय स्टेप। और आपको मेरा ब्लॉग या मेरा स्टाइल या कुछ भी कैसा भी लगे, आप ज़रूर आके कमेंट करें, और आगे भी इसी तरह का ब्लॉग मैं दूंगी, और भी बहुत सारी वेरायटी रहेंगी मेरे इस चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही, बस छोटा सा लंच का रूटीन मेरा रहा ब्लॉग ये, आगे मैं और भी बड़े ब्लॉग डालूंगी और डिफरेंट टाइप के डालूंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, और यहीं पे ख़त्म करती हूँ अपना ये छोटा सा ब्लॉग। बाय बाय।